जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे इस चैनल में। फ्रेंड्स, आप सबकी कमेंट आ रही थी कि भाई CISF फायरमैन कांस्टेबल की जो एडमिट कार्ड है सो कब तक रिलीज़ की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए सटीक जानकारी लेकर आ चुके हैं आखिरकार CISF फायरमैन कांस्टेबल की जो एडमिट कार्ड है सो फ्रेंड्स कब तक रिलीज की जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी कैंडिडेट हमारे इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्रेंड्स हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फ्रेंड्स, देर ना करते हुए हम आपको सटीक जानकारी दे देते हैं आखिरकार CISF फायरमैन कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई हुई थी 1149 पोस्ट के लिए उसकी एडमिट कार्ड कब तक रिलीज की जा सकती है। फ्रेंड्स, अगर बात करें तो आपको पता ही होगा अभी SSC GD की जो फिजिकल है सो फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल चल रही है। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें तो CISF फायरमैन जो कांस्टेबल है इसकी सबसे पहले फिजिकल ही होने वाली है। लेकिन फ्रेंड्स, जो फिजिकल सेंटर है, यानी कि अधिकतर जो फिजिकल सेंटर है, CRPF फिजिकल सेंटर हो गया, चाहे मेरू कैंप हो गया हजारीबाग का, चाहे CISF, यानी कि कहीं के अभी जो अभी फ़िलहाल जो कैंप है फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल अभी फुल है, यानी कि SSC GD की फिजिकल अभी 9 जून तक चलने वाली है। तो फ्रेंड्स, बात करें तो CISF फायरमैन कांस्टेबल की जो एडमिट कार्ड है सो फ्रेंड्स यानी कि 9 जून के बाद ही कुछ होने की संभावना है। यानी कि सबसे पहले SSC GD की फिजिकल जब कम्प्लीट हो जाएगी, यानी कि जब फिजिकल इसकी कम्प्लीट हो जाएगी तो फ्रेंड्स CISF फायरमैन कांस्टेबल की एडमिट कार्ड रिलीज की जा सकती है। फिलहाल अभी जब तक SSC GD की फिजिकल चल रही है तब तक फ्रेंड्स इसकी एडमिट कार्ड रिलीज करने की कोई संभावना नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप बार बार वीडियो को यूट्यूब में कहीं भी सर्च ना करें, अपना पढ़ाई या फिर अपना फिजिकल में ध्यान दें, क्योंकि फ्रेंड्स इसकी जो फिजिकल है जब तक SSC GD की फिजिकल चल रही है तब तक इसकी एडमिट कार्ड नहीं रिलीज की जा सकती। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्रेंड्स सबसे पहले आप तक जब भी हम वीडियो बनाएं फ्रेंड्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।